तो आज के लेक्चर में हम फिर से लगाएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है। बोल रहा है दी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड The specific volume of liquid water is 1.001 ml per gram and that of ice is 1.0907 ml पर ग्राम। ओके, इफ हीट ऑफ फ्यूजन इज 3.8 जूल पर ग्राम, देन रेट ऑफ चेंज। अब मेल्टिंग पॉइंट विथ प्रेशर इन केल्विन पर एटीएम इज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका एक लिक्विड वाटर है और लिक्विड वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी कितना है, 1.001 ml पर ग्राम, यानी 1 ग्राम का जो वॉल्यूम है वाटर का वो है आपका 1.001। तो अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया गया भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया गया है 1.001 ml पर ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से जो वॉल्यूम ऑफ आइस दिया गया है, 1 ग्राम आइस का जो वॉल्यूम दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1.0907 ml पर ग्राम। ठीक है, बोला इफ हीट ऑफ फ्यूजन इज इतना जूल पर ग्राम, यानी यहाँ पे अगर तो बोला हीट ऑफ फ्यूजन यानी ΔHF, हीट ऑफ फ्यूजन ΔHF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया गया है, 333.8 जूल पर ग्राम, यानी 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए इतना जूल एनर्जी चाहिए। क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, किस तरीके से चेंज होगा विथ प्रेशर, यानी डी टी बाई डीपी की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो अगर हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या बोलता है, क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलता है कि dT/dP इजकल टू क्या होता है, टी डेल्टा वी बाई डेल्टा एच। ठीक है, ये कौन बोलता है, ये बोलता है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो आपका आप क्या करने को बोल रहे हो, आप आइस को मेल्ट कर रहे हो हैं वाटर में, ये आइस कब मेल्ट होगा, किस टेम्परेचर पे, तो मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके से चेंज होगा अगर हम प्रेशर को चेंज करें। तो यहाँ पे चूंकि प्रोसेस कैसा है आपका, मेल्टिंग प्रोसेस है, तो यहाँ पे आपका हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा और यहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे होता है, तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस यानी आपका 273 केल्विन पर मेल्ट होता है। तो
यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 273 केल्विन। और वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका भाई? अब आप यहाँ पे आइस को मेल्ट हो रहा है तो में चेंज हो रहा है, तो वाटर का वॉल्यूम माइनस आइस का वॉल्यूम। वाटर का वॉल्यूम है आपका 1.001 और माइनस वॉल्यूम ऑफ आइस, आइस का है 1.0907 डिवाइड बाई डेल्टा एच एफ। हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? तो हीट ऑफ फ्यूजन आपका यहाँ पे 0.8 जूल पर ग्राम। ठीक है, ये यहाँ पे आपका केल्विन था, और ये आपका जो वॉल्यूम आएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम में जो चेंजिंग आई है वो है एमएल पर ग्राम। तो ग्राम से यहाँ पर ग्राम से पर ग्राम कट गया, ठीक है, और आपका जूल पर ग्राम। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्योंकि आपको किसमें चेंज करना है भाई, अच्छा यहाँ पे 273 मल्टीप्लाई बाई आपका यहाँ पे अगर आप घटाओगे तो माइनस में आएगा 6 और 0 और तीसरे नंबर पे आपका यहाँ पे घटाओ 1.0907 -1.000 नहीं 001 यही घटाना है ना आपको, तो आप घटाइए 7, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे 0, जीरो क्या आएगा? -0.08977, 897 आपका एमएल में है, तो एमएल को अगर लीटर में चेंज करोगे तो 10^-3 लीटर डिवाइड बाई 373.8 जूल यहाँ पे डल गया। ठीक है, ये आपका आएगा इतना। इतना आएगा। अब चूंकि अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि 273 मल्टीप्लाई बाई आप बोल रहे हो -0.08897 × 10^-3 डिवाइड बाई 338.8। यहाँ पे आपका केल्विन लीटर और आपका नीचे जूल है। अगर मैं देखूँ आर इक्वल टू क्या होता है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर बात करूं कि देखो यहाँ से आपका मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया, केल्विन इनवर्स से केल्विन इनवर्स कट गया, यानी बचा आपका 8.314 जूल इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम। तो यहां से 1 जूल निकालोगे तो आएगा 0.0821 डिवाइड बाई 8.314 जूल। ठीक है, यहाँ पे और आपका लीटर एटीएम, लीटर एटीएम आएगा आपका। तो जूल चूंकि 273 मल्टीप्लाई बाई 0.0897 × 10^-3 और डिवाइड बाई 338.8 इंटू आपका केल्विन, अरे लीटर हो गया, और यहाँ पे जूल की जगह क्या रखोगे आप, जूल की जगह कितना रखोगे, तो 0.0821 डिवाइड बाई 8.314 आपका यहाँ पे नीचे लाएगा। लीटर एटीएम ठीक लीटर एटीएम
लीटर से लीटर कट गया, और यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करिएगा, ये वाली क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी, या तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको ऊपर ही लिख देता हूँ, 273 मल्टीप्लाई बाई 0.0897 डिवाइड बाई 338.8 इंटू 10^-3 इंटू 8.314 डिवाइड बाई 0.0821, और यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, केल्विन एटीएम इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 0.007 केल्विन एटीएम इनवर्स। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो मोबाइल से या कैलकुलेटर का यूज करके, इतना आएगा, दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एस्टीमेट, क्या निकालना भाई, एस्टीमेट क्या निकालना है, एस्टीमेट द प्रेशर, एस्टीमेट द प्रेशर नेसेसरी नेसेसरी ऑफ टू मेल्ट द आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इफ मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इफ मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर इज 18.01 ml एंड फॉर आइस 19.64 ml इवन दैट एंट्रोपी चेंज, दैट एंट्रोपी चेंज फॉर मेल्ट इज 16.3 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, क्या निकालने को बोल रहा है, निकालने को बोल रहा है कि भाई प्रेशर बताइए जो क्या है जरूरी है, क्या करने के लिए भाई, टू मेल्ट दी आइस, आइस को पिघलाने के लिए -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वह प्रेशर मुझे बताना है जो जरूरी है आइस को मेल्ट करने के लिए एट -10 डिग्री सेल्सियस। अब इफ कह रहा है कि इफ मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर, वाटर का जो मोलर वॉल्यूम है इतना ml है, यानी 1 मोल का वॉल्यूम इतना है और 1 मोल आइस का वॉल्यूम इतना है, और एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग इतना दिया गया है। ठीक है, एंट्रोपी चेंज फॉर मेल्ट, जब मेल्ट होगा तो एंट्रोपी में कितनी चेंजिंग आएगी, यहाँ पे एंट्रोपी में चेंजिंग आएगा 16.3 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ए है आपका, मुझे करना क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया गया भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर, मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर दिया गया है इतना 18.01, और वॉल्यूम ऑफ आइस दिया गया है आपका 19.64 ml में दिया गया है, ml। तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखोगे तो अगर आप क्या करते हो, आइस को मेल्ट करते हो तो किसमें चेंज होगा, वाटर में, और यहाँ पे अगर इसके लिए आप क्या लगाते हो, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन,
तो क्लैसियस क्लैपेरॉन क्वेश्चन जो कि किस इस तरीके का होता है, डी टी बाई डी पी इजकल टू डेल्टा एच बाई सॉरी टी डेल्टा बी, यहाँ पे टी डेल्टा बी बाई डेल्टा एच। ओके, तो अगर आप देखते हो क्योंकि मेल्ट कर रहे हो तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड मतलब आइस, और डेल्टा एच क्योंकि मेल्ट कर रहे हो तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डेल्टा एच एफ। ठीक है, ए वैल्यू आपकी होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या करूँ, रिवर्स कर दूं तो और मजा आ जाएगा, तो मेरा बन जाएगा डी पी बाई डी टी, अगर मैं निकालू तो ये चीज ऊपर चली जाएगी डेल्टा एच एफ बाई टी, और यहाँ पे वी एल माइनस वी एस। ठीक है, ए होगा आपका। अगर मैं कहूं इसी चीज को थोड़ा सा मैं इस तरीके से बोलता हूं कि इसको मैं इधर रखूं, डी पी इजिकल टू डेल्टा एच बाई टी वी एल माइनस वी एस, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, टी टी कर देता हूँ। अगर दोनों पक्षों का मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो मेरा क्या निकल के आएगा भाई, अगर दोनों पक्षों का मैं इंटीग्रेशन कर दूं विथ इन लिमिट ए पी वन से पी टू और ए टी वन से टी टू, इसका देखो हम जानते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, तो ऐसे इंटीग्रेशन डी पी इक्वल टू पी हो जाएगा, और यहाँ पे अपर लिमिट पी टू और लोअर लिमिट पी वन। ऐसे ही डेल्टा एच वाई वी एल माइनस वी एस, और यहाँ पे टी वन और टी टू, यहाँ पे डी टी वाई टी, ये हो जाएगा आपका पी टू माइनस पी वन इजकल टू डेल्टा एच वाई वी एल माइनस वी एस। और इसका करोगे देखो आप जानते हो कि इंटीग्रेशन डी एक्स वाई एक्स इजकल टू क्या होता है आपका, ये होता है आपका एल एन एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एल एन टी, यहाँ पे टी टू बाई टी वन। ओके, यहाँ पे पी टू माइनस पी वन इक्वल टू क्या निकल के आएगा, डेल्टा एच वाई पी एल माइनस वी एस, और यहाँ पे आएगा एल एन टी टू माइनस टी वन। चूंकि ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा ना तो इतना सारा लंबा प्रोसेस नहीं करने को सकता है, ये आपका फार्मूला है। अगर आपको किसी टेम्परेचर पे, आपको किसी प्रेशर पे बॉइलिंग आपका मेल्टिंग पॉइंट पता है, किसी एक प्रेशर पे अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट पता है या मेल्टिंग पॉइंट पता है, तो दूसरे प्रेशर पे आप मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हो। इसी तरीके से मैं जानता हूं कि जो डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच बाई टी होता है, यही हम जानते हैं। तो हम चूंकि क्या भी पढ़े, डी पी बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी डेल्टा बी, यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू मैं क्या रख सकता हूँ, डेल्टा एच की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, डेल्टा एच की जगह मैं लग सकता हूं डेल्टा एच की जगह मैं रख सकता हूं डेल्टा एच निकालूंगा तो टी डेल्टा एस हो जाएगा, यहाँ पे टी डेल्टा एस बाई टी डेल्टा वी, यहां से टी टी कट गया, आपका बना क्या डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा। ठीक है,
ए आपका यहाँ पे बना। और अगर यहाँ से आप देखोगे तो डी पी इजकल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वी डी डी टी, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो पी वन से पी टू, और यहाँ से लगा दो टी वन से टी टू। यहाँ से क्या निकल के आएगा टी, और ये आपका अपर लिमिट टी टू, लोअर लिमिट टी वन। ये चूंकि एंट्रोपी चेंजिंग, चेंज इन एंट्रोपी का अगर फिक्स होगा और चेंज इन वॉल्यूम भी फिक्स होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन डी टी टी वन से टी टू। यहाँ से अगर आप देखोगे तो पी टू माइनस पी वन डेल्टा एस बाई डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब चेंज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो कि मेल्टिंग प्रोसेस के लिए है, और इसका टी हो गया ए टी टू और ए टी वन। यहाँ से आया पी टू माइनस पी वन इजक्वल टू डेल्टा एस बाई वी एल माइनस वी एस, और यहाँ पे टी टू माइनस टी वन, ये आपका रिलेशनशिप निकल के आया। अब इसी का मुझे जरूरत है, इसी रिलेशनशिप का। अब देख रहे हो कि जब आप आइस को मेल्ट करते हो वाटर में तो आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 273 केल्विन होता है। ठीक है, एक किस कब करते हो आप, अगर 1 एटीएम प्रेशर पे अगर आइस को मेल्ट करोगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इतना होगा। अब कितना प्रेशर चाहिए मुझे, अगर मुझे इसी बर्फ को पिघलाना हो एट कितना -10 डिग्री सेल्सियस पे, कितना -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस का मतलब 263 केल्विन। तो यानी इसका मतलब हुआ प्रेशर पी वन इजकल टू आपका 1 एटीएम, और यहाँ पे टी वन पहले जब फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट आपका था वो था 273 केल्विन। पी टू की वैल्यू मुझे निकालनी है और टी टू की वैल्यू दी गई, तो पी टू की वैल्यू मुझे नहीं पता, पी वन की वैल्यू पता है 1 एटीएम, यहाँ पे एटीएम आएगा। डेल्टा एस की वैल्यू कितनी दी गई है, चेंज इन एंट्रोपी दिया गया आपका 16.3 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल 18.01 जूल, जूल नहीं 16 दशमलव दिया गया, सॉरी कितना दिया गया है 16.3 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना दिया गया है, आई मतलब वाटर का वॉल्यूम दिया गया है आपका 18.01, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब आइस, आइस का है 19.64, यहाँ पे ml आएगा। और साथ ही साथ टेम्परेचर T2 कितना दिया गया आपका 263 माइनस 273, यहाँ पे आएगा केल्विन। तो केल्विन, केल्विन और केल्विन इनवर्स आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो T2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 प्लस 16.3 इंटू आपका -10 डिवाइड बाई, ये आप यहाँ पे घटाओगे तो कितना आएगा 1.63 ml। ठीक है, ये आपका जूल जूल पर ml, जूल पर मोल, अच्छा पर मोल भी यहाँ पे था ना, पर मोल, मोल इनवर्स यहाँ पे मोल इनवर्स। ठीक है, एक चीज अब मुझे करना पड़ेगा, क्या इस जूल को मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर किसने पूछ रहा था, आंसर पूछ रहा था आपका एटीएम में मुझे निकालना है आंसर, तो यहाँ पे एटीएम वाला टर्म तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जूल के जगह पे, आप जानते हो कि 8.314 जूल पर मोल, आर की वैल्यू जो होती है पर मोल पर कैलविन इक्वल टू जूल पर मोल पर कैलविन इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर कैलविन, मोल से मोल कट गया, कैलविन से कैलविन कट गया, आपका बचा 1 जूल इक्वल टू 0.0821
लीटर एटीएम डिवाइड बाई 8.314 इतना आपका आएगा। पीटी इक्वल टू क्या है आपका, 1 प्लस एटीएम में है आपका 16.3 इंटू -10 डिवाइड बाई 1.63। इस जूल को आप किस में चेंज कर रहे हो, लीटर एटीएम में, तो 0.0821 डिवाइड बाई 8.314 लीटर एटीएम, लीटर एटीएम हो गया। और यहाँ पे आपका मोल इनवर्स है और नीचे एमएल है। अगर आप इसे लीटर को एमएल में चेंज करोगे, लीटर को अगर आप क्या करते हो, लीटर को अगर एमएल में चेंज करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 पावर 3 से एमएल, एमएल से एमएल आपका कैंसिल आउट हो गया। आपका पी टू इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस, यहाँ पे आप हो जाएगा आपका -10 मल्टीप्लाई बाई 6.3 बाई 1.63 इंटू 82.1 बाई 8.314। आपका यहाँ पे क्या कहा, एटीएम, केवल एटीएम बचा, एटीएम पर मोल। ठीक है, मोल को अब क्योंकि एक ही मोल के लिए आप निकाल रहे हो, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो सब 1 मोल के लिए, तो मोल आप हटा दो यहाँ से, यहाँ से देखोगे, यहाँ से अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे तो ये भी आपका अबाउट 10 के करीब आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 1000 आपका लगभग ये आपका आएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा आप, आएगा 980, 980 आएगा आपका। अच्छा एक चीज यहाँ पे आप शायद यहाँ पे नीचे वाला टर्म भी क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे माइनस में कर दे रहा हूँ, ये भी माइनस है, माइनस माइनस का हो गया, प्लस हो गया, यहाँ प्लस कर देता हूँ, ये आपका आएगा 981 एटीएम पर। आपका जो आइस होगा 981 एटीएम पे जो आइस होगा वह -10 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। दिस इज योर आंसर।